हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज की हमारी स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा गोइंग प्लेसेस, जिसे ए आर बार्टन ने लिखा है। ही इज ए मॉडर्न राइटर, वो मॉडर्न राइटर हैं, हु लिव्स इन ज्यूरिख, जो ज्यूरिख में रहते हैं, राइट्स इन इंग्लिश और अंग्रेजी में लिखते हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ये गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। इसमें बार्टन दो थीम्स की बात करते हैं, एक तो है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और दूसरा है हीरो वर्शिपिंग। अब ये एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग क्या होती है और हीरो वर्शिपिंग क्या होती है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है एडोलेसेंट एज, यानी जो आपकी टीन एज होती है, उस एज में कुछ चीजों को फैंटेसाइज करना, कुछ चीजों के बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं करना कि जो संभावना से भी परे हों। जैसे कि आप क्रिकेट के बहुत शौकीन हो और आप अपने आप को एक ऐसा सुपरस्टार क्रिकेटर मानते हो, अपने आप को उसके रूप में इमेजिन करते हो, तो उसको कहते हैं फैंटेसाइज करना चीजों को। और हीरो वर्शिप यानी हीरो, यानी आपका कोई भी ऐसा हीरो या हीरोइन आपका जो है वो आइडियल हो सकता है और आप हमेशा उसको फॉलो करते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो अधिकतर टीन एज में कॉमन रूप से पाई जाती हैं, और डेफिनेटली आपके साथ में भी इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। तो चूंकि ये लेसन टीन एज के बच्चों के लिए ही, आप सभी भी टीन एज में हैं, इसीलिए इसमें इन दोनों थीम्स की बात की गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, वो है सोफी, जो बात कर रही है जेंसी से। सोफी और जेंसी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं और क्या बात कर रही हैं वो देखिए। आपको सोफी का इसमें एक कैरेक्टर का एक स्पेशल ट्रेट नजर आएगा कि सोफी किस तरह से बातें कर रही है। व्हेन आई लीव, सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक। सोफी और जेंसी दोनों स्कूल से घर लौट रही हैं, और सोफी का कहना है कि जब वो स्कूल छोड़ देगी, आई एम गोइंग टू हैव ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर along the street looked doubtful, लेकिन जेंसी जो उसके साथ में चल रही थी, उसने अपनी आर्म्स को उसके साथ में लिंक किया, यानी उसके जरा सा उसकी जो आर्म्स को टच किया, और she was looking doubtful, वो थोड़ी सी doubtful दिखाई दे रही थी जब सोफी ने ऐसा कहा। takes money soph, soph इसके लिए पैसा लगता है, soph जो है सोफी के लिए शॉर्ट वर्ड यूज किया गया, उसका पैसा लगता है, यानी उसका कहने का मतलब है कि अगर तुम बुटीक खोलना चाहती हो तो उसके लिए पैसे लगेंगे। I'll find it, मैं इस पैसे को मतलब कहीं से अर्न कर लूंगी, मैं इस पैसे को कलेक्ट कर लूंगी, सोफी ने ऐसा कहा। स्टार्टिंग स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, दूर गली में देखते हुए। टेक यू ए लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, तो वापस से जेंसी ने उसका विरोध किया ये कहते हुए कि टेक यू ए लॉन्ग टाइम, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा टू सेव दैट मच, इतना पैसा तुम्हें सेव करने में। वेल आई विल बी ए मैनेजर देन, ठीक है मैं मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए मैं मैनेजर बन जाऊंगी। तो ये जो यहाँ पर लड़की है सोफी, वो फिकल माइंडेड दिखाई देती है, कभी वो बुटीक खोलने की बात करती है, कभी वो मैनेजर बनने की बात करती है। टिल दैट आई हैव गॉट इनफ, और ये मैनेजर मैं तब तक बनी रहूंगी जब तक कि मेरे पास में इनफ पैसा इकट्ठा ना हो जाए। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा बुटीक कैसा दिखेगा। फिर उसका जेंसी ने विरोध किया, दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, सोफी तुम्हें वो डायरेक्ट जो है मैनेजर किसी भी शॉप का नहीं बनाएंगे। फिर उसका क्या कहना है, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी। आई विल बी ए नेचुरल, मैं बिल्कुल नेचुरल हो जाऊंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, उन्हें बिल्कुल शुरुआत से मुझ में कुछ क्वालिटी दिखाई देगी। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी हैज एवर सीन, और मैं एकदम उसको बहुत ही अमेजिंग शॉप बना दूंगी जैसी शॉप उस सिटी ने कभी देखी भी ना होगी। तो मैरी क्वेंट किसी फिल्मी हीरोइन का नाम है, वो उसी की तरह बात कर रही है कि मैं उसकी तरह नेचुरल बिल्कुल मैनेजर बनूंगी और नेचुरली सब चीजों को स्टार्ट करूंगी और फिर बहुत अच्छी शॉप खोलूंगी, ये उसका कहना है। तो अधिकतर इस उम्र में बच्चे जो है इस तरह की बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही सोफी करती है। जेंसी नोइंग दैट दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, लेकिन जेंसी जानती थी कि वे दोनों के दोनों बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही बने हैं। तो शी बिकेम मेलनकली, मेलनकली का मतलब दुखी हो जाना, वो थोड़ा दुखी हो गई। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, उसकी इच्छा थी कि सोफी काश ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें ना करे। व्हेन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट,
जब वे सोफी की गली में पहुंचे, जेंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब कुछ ही महीने बचे हैं सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, अब तुम्हें वास्तव में समझदार हो जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट, योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। वो शॉप वर्क के लिए यानी शॉप में काम करने के लिए इतना अच्छा पैसा नहीं देते हैं। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे पापा भी तुम्हें इस काम के लिए अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वो तो सोफी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, और एन एक्ट्रेस, ठीक है मैं फिर एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ। नाउ देर इज रियल मनी इन दैट, एक्ट्रेस के काम में तो बहुत अच्छा पैसा है। यस एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, तो ठीक है मैं एक तरफ एक्ट्रेस बन जाऊंगी और दूसरी तरफ बुटीक खोल लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेस तो पूरे समय काम नहीं करती, डू दे, क्या वो ऐसा करती हैं? एनीवे दैट और ए फैशन डिजाइनर, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, मैं फैशन डिजाइनर की तरह काम करूंगी, थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड दिखाई देगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब वेल डेवलप्ड, मॉडर्न दिखाई देगा। तो इस तरह से वो खोलना तो बुटीक चाहती है, लेकिन कई तरीके आजमा रही है, कई रास्ते आजमा रही है कि मैं पहले मैनेजर बन जाऊंगी, फिर कहती है कि नहीं मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। तो शी इज ए फिकल माइंडेड गर्ल, सोफी के बारे में ये पता लगता है कि शी इज अ फिकल माइंडेड गर्ल। एंड शी टर्न्ड इट थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और फिर वो एक स्ट्रीट के ओपन डोर में चली गई और जेंसी को पीछे ही बारिश में छोड़ गई। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई ए बुटीक, लेकिन लास्ट उसने फाइनल सेंटेंस क्या बोला, इफ एवर आई कम इन टू मनी, अगर मुझे कभी पैसा मिला, आई विल बाई ए बुटीक, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हो इफ यू एवर कम इन टू मनी, इफ यू एवर कम इन टू मनी, यू विल बाई अस ए ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की आवाज थी, जिसने ऐसा कहा कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आए तो तुम हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीद देना रहने के लिए। सोफी के पापा की ये आवाज थी। ये वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई, शेफर्ड्स पाई एक डिश का नाम है, स्वीट डिश का नाम है। तो वो शेफर्ड्स पाई को ठूस कर खा रहे थे इनटू हिज माउथ जब उसने ये वर्ड बोले, एज हार्ड एज ही कुड गो, और जितना हार्ड वो उसको अपने मुंह में ठूस सकते थे उतना ठूस रहे थे। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प फेस कहते हैं मोटा चेहरा, स्टिल ग्रिमी, उनका जो मोटा चेहरा था अभी अभी भी ग्रिमी, ग्रिमी मीन्स सीरियस एंड स्वीट, स्वेट सॉरी, स्वेट मतलब पसीने से भरा हुआ था, मार्क्ड फ्रॉम द डे, जो दिन में उन्होंने पूरी मेहनत की थी उसके कारण उनका पूरा का पूरा मोटा चेहरा जो है पसीने से भरा हुआ था। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, उसको लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, डोंट शी, क्या ऐसा नहीं है डैड, सेड लिटिल डेरेक, डेरेक ने कहा, डेरेक उसका छोटा भाई है सोफी का, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो अपने फादर की चेयर की तरफ पीछे हैंग कर रहा था, हैंग करने का मतलब लटक रहा था। तो उस यानी डेरेक भी उससे समझदार है, जो सोफी के लिए ऐसी बातें कर रहा है। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने जब उनकी बातें सुनी तो शी एक्सप्रेस्ड हर पेन, उसने अपना सोरो एक्सप्रेस किया बाय साइंग, साइंग मतलब आहें भर के उसने अपना दुख एक्सप्रेस किया। सोफी वॉच्ड हर बैक, सोफी ने उसकी बैक की तरफ देखा, स्टूप्ड ओवर द सिंक, वो सिंक के ऊपर, सिंक क्या मतलब, किचन सिंक से मतलब है, किचन सिंक के ऊपर झुकी हुई थी, बर्तन धो रही थी। एंड शी वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रिटी ऑफ द डेलिकेट बाउ विच फासन हर एप्रन स्ट्रिंग, वो जो उसने एप्रन जो पहना हुआ था यानी गाउन जो पहना हुआ था उसकी माँ ने, उसकी जो स्ट्रिंग्स थी, स्ट्रिंग्स मीन्स डोरियां, उन डोरियों के ऊपर जो बाउ, बाउ का मतलब बटन लगा हुआ था बहुत सुंदर, उन दोनों के ऊपर, उन दोनों का कोई मैच नहीं था, उसी चीज के ऊपर वो देख रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बाउ एंड द क्रुक्ड बैक, बड़ा सुंदर दिखने वाले जो बटन थे उसके, क्रुक्ड बैक और उसकी झुकी हुई कमर, इन सब चीजों को वो देख रही थी। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकंड इन द विंडो, और शाम पहले ही हो चुकी थी। एंड द स्मॉल टाउन, स्मॉल रूम वाज स्टीमी, और पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था फ्रॉम द स्टोव के कारण, क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, और जो हैवी ब्रीदिंग मैन वहां खड़ा था अपनी एट द टेबल, टेबल के पास में वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था, ये इसके फादर के बारे में बात की गई। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और जो बर्तन, जो गंदे बर्तन थे वो कॉर्नर में पड़े हुए थे। तो हम इससे सोफी के घर का अंदाजा लगा सकते हैं कि सोफी बहुत ही लोअर क्लास की फैमिली से है, और शायद वो एक ही कमरे या दो कमरों के घर में रहते हैं, और एक ही कमरे में किचन दिखाई दे रहा है, एक ही कमरे में चेयर्स दिखाई दे रही हैं, और शायद एक किचन अलग से दिखाई दे रही है। यानी बहुत ज्यादा रिच फैमिली नहीं है, बहुत ही पुअर फैमिली है।
सोफी फेल्ट ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी को ये अपने गले में थोड़ी सी टाइटनिंग यानी सफोकेशन सा महसूस हुआ। सफोकेशन इसीलिए महसूस हुआ कि घर के एक ही कमरे में सब कुछ चल रहा है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ। अब वो अपने ब्रदर जॉफ की तलाश में थी, यानी इससे मालूम पड़ा कि सोफी के यहाँ दो भाई हैं, एक है डेरेक और दूसरा भाई है उसका जॉफ। जॉफ उससे बड़ा है और डेरेक उससे छोटा है। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. अब ये जॉफ उससे बड़ा था, क्या कर रहा था वो? He was kneeling on the floor, फर्श पर वो झुका हुआ था, in the next room, अगले कमरे में। यानी एक और कमरा नजर आया, इसका मतलब दो रूम और एक किचन तो है ही। टिंकरिंग विद ए पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। टिंकरिंग विद मीन्स रिपेयरिंग कर रहा था मोटरसाइकिल के अपने एक पार्ट की, जो कि न्यूज़पेपर के ऊपर कारपेट पर बिखरा हुआ था। He was 3 years out of school. उसे स्कूल छोड़े 3 साल हो गए थे। An apprentice mechanic. वो नया नया मैकेनिक का काम सीख रहा था। Traveling to his work. और अपने काम की जगह पर जाया करता था each day. हर दिन to the far side of the city, जो कि सिटी के बिल्कुल दूसरी तरफ थी। He was almost grown up now. वो पूरी तरह से अब बड़ा हो चुका था। And she suspected areas of his life about which she knew nothing. और वो जो सोफी जो थी, वो हमेशा उसकी जिंदगी के कुछ ऐसे एरियाज थे जिनके बारे में हमेशा डाउट, संदेह एक्सप्रेस करती थी। यानी उसे उन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो सोचती थी आखिर उन चीजों में क्या होगा। यानी ये जो लड़का था, ये लड़का हमेशा सुबह निकलता, शाम को आता या जॉब पर जाता, जैसा भी था, तो उसको कुछ ज्यादा पता नहीं था सोफी को उसके बारे में। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और वो उसके बारे में बोलता भी नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो बहुत कम बोलता था। जॉफ की बात कर रहे हैं। एवर वॉलंटरली, वॉलंटरली मीन्स इच्छा से, तो यानी खुद की इच्छा से तो बहुत कम बोलता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। उसके मुंह से शब्द निकालने का मतलब है कि आप जमीन से पत्थर निकाल रहे। यानी बहुत कम बोलता था वो। यानी इसका मतलब है कि वो एक्सट्रोवर्ट नहीं था, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, यानी जिसे अंतर्मुखी कहते हैं। शी वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और वो उसकी साइलेंस से जलती थी। क्यों जलती थी? उसको लगता था कि वो उसे कुछ मजेदार चीजें हैं उसके पास, या कुछ मजेदार बातें हैं, वो कुछ लाइफ को एंजॉय करता है, उसके बारे में उसको बताता नहीं है, इस तरह से वो फील करती थी। व्हेन ही वाज नॉट स्पीकिंग, इट वाज एज दो ही वाज अवे समवेयर। जब वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि वो कहीं और, किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। आउट देयर इन द वर्ल्ड, दूसरे संसार में, इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, जिन प्लेसेस में को कभी गई ही नहीं है। वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, हु न्यू। क्या वो सिटी के ही प्लेसेस हैं या सिटी के बाहर के प्लेसेस हैं, कौन जानता है? ये सब सोफी सोचती थी। सोफी को लगता था कि उसका भाई कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानता है, कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानता है, लाइफ को ऐसे एंजॉय करता है जिसके बारे में वो उसे बताता नहीं था। दे अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर। दे यहाँ पर उन प्लेसेस के लिए आया है, तो ये जो प्लेसेस थे उसके दिमाग में एक स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल जगह बना चुके थे, क्योंकि वो उसके लिए अननोन थे एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और वो उसकी रीच से बिल्कुल बाहर थे। परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, सोफी को लगता था कि कुछ लोग उसकी जिंदगी में हैं, एक्जोटिक, एक्जोटिक मीन्स बड़े जॉयस पीपल हैं, खुशनुमा पीपल हैं, इंटरेस्टिंग पीपल हैं, बहुत रोचक लोग हैं, ऑफ होम ही नेवर स्पोक, जिनके बारे में वो कभी बात नहीं करता। इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स इजिली, ऐसा संभव था, वो बहुत शांत रहता था, उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो उसके फ्रेंड्स को जानना चाहती थी। लॉन्ग्ड का मतलब टू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, जानने की इच्छा रखती थी। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। उसकी इच्छा होती थी कि किसी दिन उसका भाई जो है उसको बहुत अफेक्शन शो करे, किसी दिन उसको बाहर लेकर जाए। Though their father forbade it, हालांकि उसके पापा उसके लिए मना करते थे उसको बाहर ले जाने के लिए। And Geoff had never expressed an opinion, और Geoff ने तो अपनी opinion बताई ही नहीं थी कि वो उसे ले जाना चाहता भी है या नहीं। She knew he thought her too young, उसे लगता था कि वो भी शायद उसके बारे में यही सोचता होगा कि वह बहुत छोटी है, वो उसको नहीं ले जा सकता। And she was impatient, और वो बहुत impatient थी अपने भाई के साथ बाहर घूमने जाने के लिए। She was conscious of a vast world out there waiting for her. उसे लगता था कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। She knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. उसे लगता था कि बाहर सिटी में जाकर भी वो घर जैसा ही महसूस करेगी, क्योंकि सिटी में वो पैदा हुई है।
इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। ये पूरा सिटी उसके अराइवल का बहुत इंतजार कर रहा है। तो ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती थी, जनरली एक टीन एज के बच्चे के दिमाग में भी चलती हैं। शी सा हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जॉफ। वो अपने आप को महसूस करती थी कि जैसे वो जॉफ के पीछे बैठी हुई है मोटरसाइकिल पर। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स। उसने बिल्कुल नए शाइनिंग ब्लैक लेदर का जैकेट पहना हुआ है। एंड शी ए येलो ड्रेस। और उसने एक पीले रंग की ड्रेस पहनी विद ए काइंड ऑफ कैप, जिसके पीछे एक चुन्नी है, दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे की तरफ उड़ रही है। यानी बिल्कुल फिल्मों के सीन की तरह वो अपने आप को इमेजिन कर रही है। इसको आप डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो टीन एज में काफी नेचुरल है। देर वॉज द साउंड ऑफ अप्लाउज। बिल्कुल अप्लाउज की साउंड होती थी, यानी प्रशंसा की साउंड होती थी, एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। जैसे आपने क्रिकेट के मैदान में ऐसी आवाजें सुनी होंगी, जब कोई 4 या 6 लगता है तो उस समय जो एकदम दर्शकों के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वैसा ही वो कुछ महसूस करती थी कि जैसे ही वो बाहर दुनिया में जाएगी, बाहर सिटी में जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया उसके लिए प्रशंसा के लिए खड़ी हो जाएगी और लोग उसको चीयर करेंगे, ऐसा उसको लगता था। ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स। लेकिन जॉफ बिल्कुल ही अलग था। वो बड़े ध्यान से ऑयली कंपोनेंट यानी स्क्रू वगैरह होंगे उनकी तरफ अपने हाथ में देख रहा था, एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल। और उसको ऐसे क्रेडल यानी हिला रहा था जैसे वो कुछ छोटा सा डम्ब एनिमल हो। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक। और वो उससे बात करना चाहता हो। अचानक से सोफी ने इन सब बातों को छोड़कर उससे एक बात की और उस साइलेंस को तोड़ा। क्या बोला सोफी ने? आई मेट डैनी कैसे। मैं डैनी कैसे से मिली थी, सोफी ने कहा। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। अचानक से जॉफ ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। वेयर, कहाँ मिली थी? इन द आर्केड। आर्केड में मिली थी। आर्केड कहते हैं एक शॉर्ट पैसेज को। फनीली इनफ यानी तुम्हें जानकर हंसी आएगी, लेकिन मैं उसे आर्केड में मिली थी। इट्स नेवर ट्रू। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आई डिड टू। मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड। क्या तुमने डैड को इसके बारे में बताया? शी शूक हर हेड। उसने अपना हेड हिलाया यानी ना में सिर हिलाया। चेसंड एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। वो थोड़ी शर्मिंदा थी। चेसेंट का मतलब शर्मिंदा थी। एट हिज अनअवेयरनेस, कि उसका भाई जानता नहीं था कि वो पहला व्यक्ति था जिसके साथ में वो अपने सीक्रेट शेयर करती थी। आई डोंट बिलीव इट। मुझे बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं है। देर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन रॉयसिस विंडो वेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसे। फिर उसने एक्सप्लेनेशन दिया सोफी ने, कि मैं रॉयसी की विंडो में क्लोथ्स की तरफ देख रही थी और तब कभी कभी कोई आया और वो मेरे पास में आकर खड़ा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, ये कौन था? कोई और नहीं बल्कि डैनी कैसे था। ये सोफी ने बताया। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? ठीक है, वो कैसा दिखता है? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है? क्लोज टू मतलब पास से कैसा दिखता है, आई मीन मेरा मतलब कि ये उसके भाई ने कहा। वेल ही हैज ग्रीन आईज। उसकी आंखें जो हैं वो ग्रीन आईज हैं और उसकी आंखों का कलर ग्रीन है, जेंटल आईज है। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक। और वो उतना लंबा नहीं है जितना दिखाई देता है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। उसे लगा कि उसने सोचा कि क्या वो उसके दांतों के बारे में भी बात करे, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक चीज है कि जब जो टीन लोग टीन एज के जो बच्चे होते हैं वो अगर किसी को अपना हीरो या हीरोइन को अपना आइडियल समझते हैं तो उसके कमियों के बारे में बात करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए उसके दांतों में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए उसने उसके बारे में बात नहीं की। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक। तो जब उसके पापा जो थे उन दोनों के, वो नहा धो के बाहर आए थे और उसका फेस और आर्म्स जो थे वो चमक रहे थे, पिंक थे। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप और साबुन की खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। उन्होंने टेलीविजन स्विच ऑन किया। टॉस्ड वन ऑफ हिज लिटिल डायरेक्ट शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा। और घर में कितनी साफ सफाई है, कितना मेंटेनेंस है, ये आपको फादर के एक्शन से दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने छोटे से डायरेक्ट का जूता उठाकर, चेयर से उठाकर सोफे की तरफ फेंक दिया। एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट। और एक तेज आवाज निकालते हुए नीचे बैठ गए। ग्रंट कहते हैं शॉर्ट साउंड, लो और ह्यूज साउंड हो सकती, भारी साउंड जिसको कहते हैं। सोफी मेट डैनी कैसे, जॉफ ने बताया। जॉफ ने अपने पापा को बताया कि सोफी की मुलाकात डैनी कैसे से हुई। सोफी रिगल्ड। रिगल्ड का मतलब सिमट गई। वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। जहां भी वो टेबल के पास में बैठी हुई थी, टेबल के ऊपर बैठी हुई थी,
हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। उसके पापा ने पीछे की तरफ गर्दन घुमाई। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। उसके जो एक्सप्रेशन थे वो बिल्कुल इंसल्टिंग एक्सप्रेशन थे। इट्स ट्रू, ये सही है, जॉफ ने कहा। तब उसके पापा का क्या कहना है? आई वंस न्यू ए मैन, मैं एक बार एक आदमी को जानता था हु हैड नॉन टॉम फिनी, जो टॉम फिनी को जानता था। हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन की तरफ देखते, बट दैट वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, आपने हमें बताया, जॉफ ने कहा। कैसे माइट बी दैट गुड सम डे, कैसे भी उस किसी दिन आएगा जब वैसा हो जाएगा। अब टॉम फिनी भी जो है इसी क्षेत्र में जिसमें कैसे है, फुटबॉल प्लेयर हैं बहुत ही अच्छे, तो उनका कहना था कि जब तुम इस तरह के दावे कर सकती हो कि तुम कैसे से मिली थी, तो मैं भी दावा कर सकता हूँ कि मैं टॉम फिनी से मिला था। कैसे भी उस दिन एक दिन ऐसा हो जाएगा, बेटर देन दैट इवन, वो तो उससे भी अच्छा होगा, ही इज द बेस्ट, वो तो सबसे अच्छा है, ये उसके पापा ने कहा। तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है इस खिलाड़ी की फैन। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, लेकिन तभी होगा अगर वो अपने हेड ऑन शोल्डर्स का मतलब है अपने माइंड और अपने हार्ट को एक साथ रखे। इफ दे टुक लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर अब वो लोग यानी जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं डैनी कैसे को, अगर वो उसकी अच्छे से देखभाल करें। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेक्शंस फॉर ए यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, आजकल जो इन यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस, डिस्ट्रेक्शंस मीन्स ऐसी चीजें जिनकी तरफ ध्यान डाइवर्ट हो जाता है आजकल, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजों का मतलब है, जैसे पैसे से मतलब है, जैसे लड़कियों से मतलब है, या किसी और चीज से भी मतलब, ड्रग्स से मतलब है। तो उनका कहना है कि आजकल यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस होते हैं, तो इसलिए उसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है डैनी कैसे को। ही विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, अभी वो कंट्री की बेस्ट टीम के साथ में। ही इज वेरी यंग यट, लेकिन उसके फादर का कहना है कि वो बहुत यंग है। ही इज ऑल्डर देन आई एम, लेकिन वो तो मुझसे भी बड़ा है, ये उसके भाई ने कहा, जॉफ ने। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, अभी बहुत छोटा है वो। यू कैनॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम मुझसे इस तरह की एबिलिटी के साथ में बहस नहीं कर सकते, ये उसके पापा ने उसको डांटते हुए कहा। ही इज गोइंग टू बाय ए शॉप, तो दोनों बाप बेटे की जो बातचीत चल रही थी उसके बीच में अचानक से सोफी फिर से बोली कि वो जल्दी ही एक शॉप खरीदेगा। अब सोफी को भी शॉप खरीदनी है, उसको भी एक शॉप खरीदनी, शॉप ही खरीदनी है। हर फादर ग्रीमेज्ड, उसके पापा ने मुंह बनाते हुए कहा, वेयर हैड यू हियर दैट, और तुमने ये सब चीजें कहाँ सुनी? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, तो उसके पापा ने जवाब में कुछ ऐसा बोला जो सुनाई नहीं दिया, एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को वापस चेयर में कंफर्टेबल कर लिया। तो इसका मतलब कुछ गलत ही बोला होगा। दिस अनादर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, तुम फिर से ये जंगली कहानियां बनाने लग गई। यानी उसके पापा इस बात को जानते थे कि वो फालतू की कहानियां बनाती हैं, जबकि वो कभी भी डैनी कैसे से नहीं मिली। शी मेट हिम इन द आर्किड, वो उसे बाहर गली में मिली थी जॉफ ने कहा, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उससे सारी बात उसने की थी। तो उसके पापा का क्या रिएक्शन है? वन ऑफ दीज डेज, आने वाले दिनों में यू आर गोइंग टू टॉक योरसेल्फ इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, आने वाले तुम दिनों में तुम अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली हो, हर फादर सेड एग्रेसिवली। उसके पापा ने बड़े गुस्से से कहा, जॉफ नोज इट्स ट्रू, जॉफ तुम जानते हो ना ये सही है, डोंट यू जॉफ, क्या तुम नहीं जानते हो? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वो तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, हालांकि वो तुम पर विश्वास करना चाहेगा, लेकिन तुम पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता। इस तरह से उसके फादर ने रिएक्ट किया। अब देखिए आगे वाला सीन क्या होता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, अब वो रात का सीन है और वो अपने भाई के बेडरूम में आई है, और उसमें जो टेबल लैम्प लगा हुआ है वो एम्बर ग्लो, एम्बर ग्लो का मतलब होता है लाइट ग्लो, हल्की सी चमक उसके बेडरूम में दिखाई दे रही है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जो यूनाइटेड जो टीम का नाम है, उसकी जो पहली टीम है उसके सभी खिलाड़ियों के फोटो लगे हुए हैं। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स भी नीथ, उसके ठीक नीचे कलर्ड फोटोग्राफ्स भी लगे हैं, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी कैसे, और उनमें से तीन फोटो जो हैं वो उस यंग लड़के यानी डैनी कैसे के लगे हुए हैं। आयरिश का मतलब वो आयरलैंड से बिलोंग करता था, और प्रोडिजी का मतलब, प्रोडिजी उसको कहते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। अब देखिये सोफी उसको क्या कह रही है, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन,
मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, सॉफी ने कहा। नथिंग टू टेल इज देयर, इसमें बताने वाली क्या बात है, प्रॉमिस जॉफ, जॉफ प्रॉमिस करो। डैड वुड मर्डर मी, डैड मेरा खून कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, खून तो तब करेंगे ना जब उनको सही लगेगा, तुम्हारी बातें उनको सच्ची लगती ही नहीं है। प्लीज जॉफ, क्राइस्ट सॉफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में हो, कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कैसे के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी, तुमको कैसे लगता है कि वो तुम्हारे पीछे है। नो ही डज नॉट, नहीं उसके जीवन में कोई लड़की नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा। ही जियर्ड, उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। दैट्स हाउ, तभी तो मालूम पड़ा। एज इफ एनी वन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हारे को वो सब चीजें बताता है। यस ही डिड, हाँ उसने मुझे बताया। ही इज नॉट लाइक दैट, वो वैसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बहुत क्वाइट है, बहुत शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, इतना शांत भी नहीं है अपेरेंटली, बिल्कुल दिखता है ये। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ, ऐसा कुछ नहीं था जॉफ, इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट। अब जॉफ को, इसको सॉफी को पता है कि जॉफ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बोले जा रही है, बताई जा रही है उसको। इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट, वो उसकी पहली मीटिंग कैसे हुई उसके बारे में बात कर रही है। पहले, सबसे पहले मैंने उससे बात की। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने उसे देखा कि ये कौन आया, आई सेड, मैंने उसे कहा, एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसे, क्या आप डैनी कैसे नहीं है। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो थोड़ा सरप्राइज दिखाई दिया। एंड ही सेड, यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मुझे पता था कि ये डैनी कैसे ही है, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, एक्सेंट यू नो, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का जो स्टाइल, उसका एक्सेंट बिल्कुल वैसा ही था, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम इन द टेलीविजन, जब उसका टेलीविजन पर जो इंटरव्यू आता है वैसे ही वो बोल रहा था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, इसलिए मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए कहा, लिटिल डायरेक्ट के लिए। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, न तो हमारे पास में पेपर था न ही पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, इसलिए हमने थोड़ी देर बात की अबाउट द क्लोज इन रॉयसीज विंडो, रॉयसी की विंडो में जो कपड़े सूख रहे थे उनके बारे में बात की। ही सीम्ड लॉनली, वो थोड़ा अकेला दिख रहा था। आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आखिर वो आयरलैंड के वेस्ट से इतनी दूर आया है इस टीम में खेलने के लिए। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जब वो जाने वाला था, ही सेड, तब उसने मुझसे कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, कि अगर वो मुझसे अगले वीक मिलना चाहती, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे एक ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफकोर्स आई सेड, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एज इफ ही वुड एवर शो अप, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो वापिस आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम्हें अब तो मुझ पर विश्वास हो गया होगा, क्या नहीं हुआ है। He dragged his jacket. लेकिन जॉफ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और वास्तव में विश्वास करने लायक बातें ही नहीं थी, क्योंकि एक तो वो ऑटोग्राफ वाली बात, पेन पेंसिल का नहीं होना, और रॉयसी के जो कपड़े सूख रहे थे उनके बारे में, मानी ऐसी बेकार सी चीजों के बारे में बात करना, इसलिए उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, तो उसने अपनी जैकेट उठाई जो थोड़ी सी चमकीली थी लेकिन शेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से, एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अब उसको पहन लिया। She wished he paid more attention to his appearance. उसे लगता था कि उसके भाई को अपनी appearance पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। Wished he cared more about clothes. और उसने ऐसा wish किया कि काश वो अपने कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखे। He was tall with a strong dark face. वो लंबा था, strong था, dark face था उसका, handsome भी था, उसने सोचा। It is the unlikeliest thing I have ever heard, he said. ये कभी भी ना होने वाली चीज मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी, ऐसा कहकर वो घर से बाहर निकल गया। तो इसके साथ में ही इस पार्ट, इस लेसन के पार्ट वन का यही एंड होता है। पार्ट सेकंड का जो है वीडियो, उसका जो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, और आप वहां से पार्ट सेकंड भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन, इस लेसन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो उसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।